आज हम बनाने वाले हैं चिचिंदा की भुजिया, जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप भी एक बार इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। इसे हम छोटे धोकर अच्छी तरह धोकर साफ कर लेंगे। उसके बाद इस तरह छोटे छोटे गोल गोल टुकड़ों में काट लेंगे। तो सारे को हम इसी तरह सारा चिचिंदा काट लिए हैं। इधर गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, उसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। बहुत ही कम तेल में ये बन जाता है। पर इसे थोड़ा फ्राई करने में समय लगता है, क्योंकि ये हरी सब्जी है। इसमें हम डाल देंगे तेल में जीरा और सरसों डाल देंगे। उसके बाद इसमें चिचिंदा डाल देंगे, जो गोल गोल पीसेस में काटे थे हम, उसको कढ़ाई में डाल के चला लेंगे। इसको चलाते हुए अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। इसको ढक देंगे हम, ढक ढक कर बीच में चलाते रहेंगे बीच बीच में, ताकि ये जले ना। ये हरी सब्जी इसलिए इसमें थोड़ा पानी भी छूटता है। इसको भूनने में थोड़ा सा समय लगेगा। फिर से इसे ढक देंगे। इसी तरह हम इसको धीमी आंच में लगभग 10 मिनट तक फ्राई करेंगे, ढक ढक कर। अब फिर से इसे चला लेंगे हम। तब तक हम इधर 7-8 लहसुन की कलियां छील लेंगे और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। इसे हम खल में कूट लेंगे। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। इसे भी हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, ताकि ये जले ना। गैस यहाँ पर कम किया हुआ है, गैस का फ्लो। अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर और नमक डालकर इसे अच्छी तरह चला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिए। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे वो कूटी हुई मसाला, जो लहसुन और अदरक का कूटा हुआ पेस्ट है। उसे हल्का सा पानी डालकर इसमें डाल देंगे और गोल की जीरा का पाउडर डाल देंगे। मसाला डालने के बाद इसे हम थोड़ा लाल मिर्च डाल देंगे। अब अच्छी तरह चलाते हुए इसे भूंज लेंगे। इसे अभी 10 मिनट और भूंजेंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह पक जाए। इसे ढक ढक कर 10 मिनट तक भूंज लेंगे। देखिए, इसे बीच बीच में चलाते रहना है, ताकि ये जले ना। अब अच्छी तरह भून चुका है। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये चिचिंदा का भुजिया, या सब्जी भी बना सकते हैं आप। इस तरह सूखा फ्राई करके बहुत ही अच्छा लगता है मसाला वाला। मसाला यहाँ अच्छी तरह से भून चुका है।
मसाला से तेल भी निकल चुका है, तेल छोड़ रहा है। तो अब ये मसाला भुंजिया अच्छी तरह बन चुका है। आप इसे रोटी पराठा या चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये। बहुत ही स्वादिष्ट भुंजिया है। आप इसे जब मन करे तब बनाकर, ये सीजन में ही मिलता है, इसका सीजन खत्म हो जाने से नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा बना है ये भुजिया।